नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में आज हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे आने वाले लोगों के जो विचार हैं आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानते हैं उनसे क्यों आई हैं वो डेरा सच्चा सौदा में और क्या मिलता है उनको यहाँ पे आने से। क्या नाम है आपका? और कितने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? 20 वर्ष जो है बहुत लंबा समय है। 20 वर्षों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? इस माहौल है बेटा, इसी से हमारे कर्म भी नहीं है, इस माहौल है यहाँ पर। और क्या सिखाते हैं गुरुजी आपको? गुरुजी एक सिखाते हैं, किसों की बूंदी चुगली चाहता कुछ नहीं, अपना स्मरण करो, काम का ना लो। और क्या मिलता है आपको यहाँ पे आने से? बेटा आने के लिए मन सब कुछ मिला है, एक भी कदम इस बनिया मुश्किल हम आमना मारे मारे कराला दारू पीवा था, लड़का नहीं था, सब कुछ बताने की बहुत कुछ मिला बेटा। बात यह है कौन कौन से मानवता भलाई के कार्य जो है डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जाते हैं? बेटा आप अपना और तो अपना खून भी देव हैं और के बताओ, छोटी छोटियाँ तो ध्यान ईसा तो अपने करा आले भी नहीं रख दे, कितना ध्यान पिताजी रख हमारे। और जो आज इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं, जो मीडिया में टीवी में गुरुजी के बारे में दिखाया जा रहा है, क्या लगता है आपको उसमें कितनी सच्चाई है? कुछ भी नहीं सच्चाई, इस के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक कीड़ी हो ना कुआ भी नहीं मार सकते, उसने बचाओ पिताजी, ये सब झूठ है। आज गुरुजी समाज में नहीं है तो क्या लगता है आपको कितनी ज़रूरत है समाज को गुरुजी की? इतनी जरूरत है बेटा, बहुत बड़ी जरूरत है, एक भी कदम इस बना मुश्किल है। और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार राम थी एक ईसा पिताजी ने मारा, ईसा दुनिया में कोई अन तो आया है अन कोई आएगा, हम तो यह बात करी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने बताया कि यहाँ से जो है जुड़ने के बाद बहुत कुछ इनको अपनी जो ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है और बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे कार्य यहाँ पे चलाए जाते हैं। गुरुजी लोगों को सिखाते हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और भी ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से।